दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं दीपावली के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनका अब तक आपको शायद नहीं पता होगा। तो ये तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दीपावली इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि 11 देशों में इसका यानी दीपावली का राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। दूसरा फैक्ट दोस्तों मैं ये बताऊं कि लगभग 80 करोड़ लोग भारत के बाहर दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, मतलब मोटे मोटा बात की जाए तो हर सातवां आदमी दुनिया का दीपावली का त्यौहार मनाता है। दोस्तों दीपावली दो शब्द से मिलकर बना है, दीप प्लस अवली। दीप का मतलब होता है दोस्तों दीपक, और अवली का मतलब होता है पंक्ति या श्रृंखला, मतलब उसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला। दोस्तों इसके अलावा बात की जाए तो पूरे भारत में जैसे कि हम जानते हैं ये लक्ष्मी जी का त्यौहार है, लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है दीपावली के दिन, लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काली माँ का पूजन किया जाता है, मतलब काली पूजा की जाती है। काली पूजा माता का रौद्र रूप है, जबकि लक्ष्मी जी माता का शांत रूप है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए हिंदू धर्म के लोग ही दीपावली का त्यौहार नहीं मनाते हैं, सिख धर्म और जैन धर्म में भी इससे संबंधित कई परंपराएं प्रचलित है। जबकि एक तो जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण इसी दिन शुरू हुआ था 1577 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों दूसरी मान्यता यह है कि 1619 में सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगल शासक जहांगीर ने आज ही के दिन रिहा किया था। दोस्तों जैन धर्म की मान्यता यह है कि उनके अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी की निर्वाण प्राप्ति मतलब मोक्ष प्राप्ति आज ही के दिन हुई थी, और उनके अंतिम दर्शन के लिए जैन धर्म के लोगों ने दीप जलाए थे। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा सेलिब्रेशन या सबसे बड़ा आयोजन दीपावली का इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर में आयोजित होता है। दीपावली दोस्तों इंडिया में नहीं श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो आदि जैसे देशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लगभग 800 मिलियन लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों आज ही के दिन नेपाल में नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से दोस्तों नेपाल के नेपाल संबंध की शुरुआत होती है। दोस्तों दीपावली के पहले वाले दिन को अपन क्या बोलते हैं, छोटी दिवाली कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका एक और नाम प्रसिद्ध है जिसका नाम है रूप चतुर्दशी। इसके पीछे क्या मान्यता है, इसके पीछे दोस्तों मान्यता यह है कि श्री कृष्ण जी ने इस दिन राक्षस जो था नरकासुर उसका वध किया था और 16,000 कन्याओं को उनके वचन से मुक्त कराया था। वध करने के बाद दोस्तों श्री कृष्ण जी की तेल की मालिश हुई, और फिर तेल की मालिश करने के बाद उन्होंने स्नान किया था, मतलब अपना रूप संवारा था। तो उसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तेल की मालिश करके उबटन बनाकर शरीर पर उसकी मालिश करके स्नान करना चाहिए और अपना रूप निखारना चाहिए, जिससे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी आपको सौंदर्य और अच्छा प्रदान करते हैं और रूपवान बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों महिलाएं इस दिन सजती है। आजकल दोस्तों ब्यूटी पार्लर का जमाना है तो महिला ब्यूटी पार्लर चल जाती है, लेकिन मान्यता यही है कि शरीर पर तेल की मालिश की जाए, उबटन हल्दी बेसन वगैरह लगा के शरीर पर लगाया जाए, फिर स्नान किया जाए और फिर अपना रूप संवारा जाए ताकि श्री कृष्ण जी जिंदगी भर रूपवान उनको बनाए रहे। इसके अलावा दोस्तों दीपावली के दिन ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनका शायद आपको नहीं पता था, लेकिन अब दोस्तों आप ये तथ्य जान चुके हैं। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इन तथ्यों के बारे में लोग अधिक से अधिक जान सकें। धन्यवाद।